सो हाय गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू टेकमिन पंचानंद यूट्यूब चैनल। सो या गाइस, तो आज की इस बार वीडियो में बात करने वाले हैं सम वीवो Y33s और एंड वीवो Y21s स्मार्टफोन के रिलेटेड। तो इसके कुछ रूमर एंड लिस्ट के अकॉर्डिंग इसके कुछ स्पेसिफिकेशन लीक हुए हैं, जो कि जैसा कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आपको इस स्मार्टफोन के रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई स्मार्टफोन रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हो, तो आपकी क्वेरी जो है वो खत्म हो जाएगी। सर विदाउट वेस्टिंग एंड मोर योर टाइम, लेट्स गो इनटू इट। तो गाइस, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले वीवो Y33s स्मार्टफोन के रिलेटेड। वीवो Y33s में आपको देखने को मिलेगी इसके डिस्प्ले जो है, तो इसमें डिस्प्ले जो है आपको 6.58 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, 5 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो कि FHD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगी। अगर आप इसमें गेमिंग करोगे तो थोड़ी सी आपको इशू देखने को पड़ सकती है। सो अगर बात की जाए इसके कैमरा की, तो इसमें आपको जो कैमरा देखने को मिलेगी 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का आई मीन रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। और बात की जाए इसके फ्रंट कैमरा की, तो इसमें जो है आपको फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। और कैमरा में आपको इसे मेटेरियल में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। मैं प्रोसेसर की, तो इसमें आपको मीडिया टेक का UG80 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसमें गेमिंग करोगे तो आपको थोड़ा सा इशू देखने को मिलेगा, आप इसमें पबजी मोबाइल आई मीन BGMI जो है HD पे खेल सकते हो, गेमिंग में कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मीडिया टेक का अगर आपको 9M टेक्नोलॉजी पे बेस्ट है, तो आपको गेमिंग में भी कोई इशू भी नहीं आएगा। आप किसी भी प्रकार की गेम प्ले करते हो तो आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा इस स्मार्टफोन के अंदर। मैंने स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें आपको फ्रंट टच OS 11 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, Android 11 को सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, 4G का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, और इसमें आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, और तो और इसमें आपको वाईफाई 6 और जायरोस्कोप, 5000mAh की बैटरी और 50W का फास्ट चार्ज सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, और तो और आपको USB टाइप सी केबल सपोर्ट देखने को मिलेगी। फिंगरप्रिंट प्लस सेंसर में भी आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। फिंगरप्रिंट प्लस फेस अनलॉक का फीचर आपको देखने को मिल जाएगा, जायरोस्कोप भी होने वाला है, तो कोई भी दिक्कत आपको इस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी सेंसर देखने को नहीं मिलेगा। और बात की जाए इसमें आपको SD कार्ड स्लॉट की, तो इसमें आपको डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाएगा अकॉर्डिंग लिस्ट के अकॉर्डिंग। और बात की जाए इसमें OTG सपोर्ट देखने को मिल जाती है, तो कनेक्टिविटी सेंसर में आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। तो बात की जाए इसकी आई मीन फाइनली प्राइस एंड अवेलेबिलिटी की, इसकी जो प्राइस है 8GB प्लस 4GB प्लस एक्सटेंडेड रैम है, फिर जो 8GB रैम के साथ जो है आपको एक्सटेंडेड रैम मिलेगी 4GB रैम की इंटरनल में, तो आपको एक्सटेंडेड रैम जो मिलेगी उसकी जो प्राइस है 8GB प्लस 128GB की स्टोरेज वाली, और इसमें आपको 1TB तक सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और इसकी जो प्राइस है वो आपको 50,000 के प्राइस में सेगमेंट देखने को मिल जाएगा। रैम टाइप की, तो इसमें आपको LPDDR4X रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाएगा लिक्स के अकॉर्डिंग। तो लिक्स अकॉर्डिंग आपको इस स्मार्टफोन के अंदर इतना स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा वीवो Y33s के स्मार्टफोन के अंदर। और बात वीवो Y33s स्मार्टफोन के अंदर आपको इतना स्पेसिफिक देखने को मिलता है। और बात की जाए वीवो Y21s स्मार्टफोन के अंदर, तो इसमें भी आपको सेम डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, कैमरा जो है उसमें आपको स्मार्टफोन के अंदर आपको कैमरा जो है देखने को मिलेगी। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, तो परफॉर्मेंस आपको ये वाली देखने को मिल जाएगी। और बात की जाए इसकी मैंने स्पेसिफिकेशन की, तो जैसा मैंने स्पेसिफिकेशन आपको वीवो Y33s स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिली थी, तो वही स्पेसिफिकेशन आपको इस स्मार्टफोन के भी अंदर देखने को मिलेगी। अगर मैं आपको बताऊँ तो फ्रंट टच OS 11 और Android 11 और 4G ब्लूटूथ 5.0 और वाईफाई 6 जायरोस्कोप फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक प्लस जायरोस्कोप सारी चीज देखने को मिल जाएगी, और USB 3.5mm का हेडफोन जैक और फेस अनलॉक प्लस SD कार्ड स्लॉट की, तो इसमें आपको माइक्रो SD कार्ड स्लॉट देखने को मिलेगी, सिम कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाएगी। जैसा कि आपको कनेक्टिविटी सेंसर में इस स्मार्टफोन में आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। और तो और बात की जाए इसकी प्राइस एंड अवेलेबिलिटी की, तो इसमें आपको आई मीन जैसा कि आपको ये मेरे प्राइस जो है 256GB वाला स्टोरेज, तो आपको उसमें देखने को मिल जाएगी, और उसकी जो प्राइस होगी वो आपको 18 से 19,000 के अप्रोच देखने को मिल जाएगी उसमें, और उसमें भी आपको LPDDR4X रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाएगा। तो आपको भी उस स्मार्टफोन के अंदर कोई भी स्पेसिफिकेशन और कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी, उनके अंदर भी कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। तो यही थे कुछ वीवो Y33s वीवो Y21s स्मार्टफोन के रिलेटेड स्पेसिफिकेशन निकल के आए थे, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए। तो आई होप की वाली वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना और साथ साथ अगर जगह अपने दोस्तों में, ताकि उन्हें भी पता चल जाए इस स्टोर के रिलेटेड। अगर आपके फ्रेंड्स इस स्टोर को परचेस करना चाहते हैं, तो आप इसमें आई मीन शेयर कर सकते हो। सो या गाइस, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय एंड पीस आउट।